मिराज के पीछे चिकन लेने तंदूरी। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कल आपने जैसे कि देखा कि चाचा की गाड़ी आ गई, बोलेरो न्यू N10 जो कि टॉप मॉडल है। अगर आपको इस गाड़ी का रिव्यू चाहिए, इन डेप्थ रिव्यू, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए तो मैं बना दूंगा, क्योंकि गाड़ी तो अब यही है, जब चाहे तब बना सकता हूँ मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने का तो उसके लिए भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, तो कमेंट करके बताइए। और अगर आप कोई और महिंद्रा की गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो यार, जब भी आप महिंद्रा शोरूम जाएंगे, वहाँ अभिनव बेंजामिन करके मेरा एक फ्रेंड है, आप उससे बात करिए, उसको मेरा नाम बताइए, रवीश आपको ज़रूर से हेल्प करेगा और जितना जल्दी हो सके वो आपको गाड़ी दिला देगा। कल भी हम लोग की गाड़ी नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर अभिनव ने हेल्प किया और कल ही गाड़ी मिल गई। RTO वाला जो भी प्रॉब्लम था उसी ने सॉल्व किया, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप मेरा नाम जाके उसको बताइएगा तो वो आपकी ज़रूर से हेल्प करेगा। तो बस आज के लिए अभी इतना ही, और मैं अभी, मेरा ये वाला जो रिएक्शन कल जो आग का हुआ था वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो मैं अभी जा रहा हूँ सबसे पहले सिट्राजिन खाऊंगा। समय हो गया 11:30 और दवाई खा के बस पढ़ने बैठूंगा। मेरी बुक निकली हुई है, मैं ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मतलब रिवोल्ट वाला, द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वहीं से अब मैं पढ़ना चालू करूँगा। तो मैं तुरंत जाता हूँ और दवाई खा के वापस आता हूँ। पढ़ ही रहा था और पढ़ते पढ़ते काम आ गया, तो मेरे को अभी जाना पड़ रहा है। अभी बज रहे हैं 12, मतलब आधा घंटे ही पढ़ा मैं, और अभी जा रहा हूँ 2 मिनट, कुछ ज़रूरी काम है वो करके आता हूँ, फिर वापस से पढ़ने बैठता हूँ। कैसे? बहुत पहले ही उठ के चालू हो गई थी करना। आई चप्पल लेके आई बेचारी। ओ रोने का क्या बात है, मैं तो रोज आता हूँ। तो मेरा कुछ काम था, वो काम हो गया और अब बज रहे हैं 12:30। मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ, थोड़ा ही दूर हूँ घर से, घर जाके तुरंत पढ़ने बैठूंगा। तो घर आ गया हूँ वापस और तुरंत पढ़ने बैठता हूँ। टाइम हो गया है, बापरे लेट हो गया, 30 में उस वक्त वीडियो बनाया था, अभी हो रहा है 40 मिनट, हो गया, तुरंत पढ़ने बैठता हूँ। 2 hours later. तो अभी समय हो रहा है 2:21, पढ़ना हो गया, मम्मी आ गई है, अभी जाता हूँ लंच करने और फिर लंच के बाद आके फिर से थोड़ा देर पढ़ूंगा और उसके बाद मेरा ऑफिस का थोड़ा काम है वो करना है मुझे। तो अभी हो गया है लंच का टाइम, बढ़िया बना है, दाल चावल और चेज भाजी। छत्तीसगढ़ वाले लोग ये जान पाएंगे इस भाजी को, बाकी जगह नहीं मिलती वाली भाजी, तो वही अभी खा रहा हूँ। क्या हुआ शीरो? मम्मी बैठी है मुंबई का निखिल का ब्लॉग देख रही है मम्मी, और मैं भी साथ में। तो लंच करके वापस रूम में आ गया हूँ, अभी बज रहे हैं 3:30 और अभी मैं ऑफिस का थोड़ा काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे को मम्मी को लेके जाना है डी मार्ट, क्योंकि इस मंथ का हम लोग शॉपिंग अभी तक नहीं किए, तो जाके कुछ कुछ सामान लेके आना है, घर के बहुत सारे चीज़ें खत्म हो गए हैं तो वो सब लेके आना है, तो इसके बाद जाऊँगा डी मार्ट। तो अभी अपना ऑफिस का काम करना, फिर आपसे मिलता हूँ सीधा डी मार्ट जाते हुए। One eternity later. तो अब बज रहे थे, मैं मम्मी को लेके जा रहा हूँ डी मार्ट, ज्यादा कुछ सामान लेना नहीं है, ऐसा मम्मी बोल रही थी, हम लोग स्कूटी में ही जा रहे हैं और डी मार्ट जस्ट मेरे घर के पीछे ही है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो अभी निकलता हूँ डी मार्ट के लिए। अब बज गए 8, डी मार्ट से आ गए थे बहुत देर से, मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा था, अभी ऑफिस खत्म हो गया, अब निकलता हूँ जिम की ओर। तो जिम तो हो गया, अब निकलना
हूँ घर तुरंत। जिम से निकल के हम लोग आ गए हैं मिराज के पीछे चिकन लेने, तंदूरी तंदूरी बे तंदूरी गंदगी। तो घर आ चुका हूँ, फट से नहाता हूँ, उसके बाद डिनर करता हूँ, काफी भूख लग रहा है। और मैं भी वो सीसी से वो भी ले लिया था गार्लिक चिकन, तो उसके साथ ही डिनर करता हूँ अभी और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो आज मेरे डिनर पे है ये गार्लिक चिकन, रोटी और दाल, तो मैं मस्त खाता हूँ और फिर बस एंड करता हूँ आज के ब्लॉग को। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।